Assalamu alaikum. I'm Dr. Wazan, founder and chief executive officer of TopGrade.pk. Here we have Dr. Anis, a dear friend of mine. He's from USA. वहाँ से MD करने के बाद ये practice कर रहे हैं medicine में ही. और back in 2014 हमने इकट्ठे काम किया MD कैट में सीट में. डॉक्टर अनीस साहब टीच कर रहे थे अमेरिका के स्टूडेंट्स को. उससे पहले एक और बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, वहाँ पे टीच करते थे. और 2014-15-16 तीन साल तकरीबन हमने इकट्ठे गुजारे. एंड आफ्टरवर्ड्स ही मूव टू यूएसए, वहाँ जाकर उन्होंने अपनी रेजिडेंसी की और उसके बाद अभी आगे फर्दर स्पेशलाइज कर रहे हैं. और ये जब जिस दौर में बात कर रहा हूँ 2014-15-16 पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा और इस्टेब्लिश नेम थे डॉक्टर अनीस बायोलॉजी टीचिंग के अंदर एज फार एज एम डी कैट इज कंसर्न स्पेसिफिकली. तो आज ये अभी यूएसए से कुछ दिन पहले आए हैं, हमारी टेलीफोनिक हमारा रब्ता हुआ एंड मैंने उनको इन्वाइट किया टू विजिट माई ऑफिस. तो अभी ऑफिस में आए हैं और अभी साथ हमने इकट्ठे बड़ा मजे का लंच किया है और अपनी टीम से मैंने इनको बुलाया है. और इसके अलावा टॉप ग्रेड का मैंने डेमोंस्ट्रेशन की है कि दिस इज हाउ एक्चुअली वी आर वर्किंग. और उसके बाद मैंने सिर्फ उनको ये बताया और उसके बाद मैंने इनको इस चेयर पर लाकर बैठा दिया. मतलब आपके जो भी महसूस आते हैं वो रखिंग कर दें, ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, ये बल्कि वीडियो है. तो जनरली जो भी इनके व्यूज हैं, जो भी इनकी फीलिंग्स हैं, परसेप्शन हैं, मैं चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट करें कि अगर हमारे ऑफिस में आई हैं तो ये उन चीज़ों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट करें ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा भी बने मे बी इस कन्वर्सेशन से हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी कम्युनिटी को और ज़्यादा फायदा पहुँच सके. Hi everyone, my name is Dr. Anis. First of all, thank you so much for inviting me here, sir. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम back in 2014 we used to discuss कि ये जो in-person academy का system है किस तरह से हम इसको online version कर सकते हैं और किस तरह से ज़्यादा efficient बन सकता है और बच्चों को बहुत फायदा दे सकता है. जिस तरह से academies में in-person जाते हो आपको बहुत ज़्यादा time ज़ाया होता है, hostels में जाते हो आप अपने घर से बहुत दूर होते हो तो आप अच्छी तरह से focus नहीं कर पाते अपनी studies पे. तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2015 में ये system initially launch किया था और मैं बड़ा surprised हूँ कि आज मैं देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कितना सिस्टम को कितना अच्छा इन्होंने बना लिया है कि माशाल्लाह अगर कोई भी बच्चा इसको इस्तेमाल करे उसको प्रॉपर अवेयरनेस हो कि इसको किस तरह से यूटिलाइज करना है तो वो बहुत ज़्यादा अपना टाइम बचा सकता है और इसको बहुत एफिशिएंटली जो है ना वो लेके चल सकता है और अपना वो एडमिशन एमडीकेट के बाद जो है ना मेडिकल कॉलेज में सिक्योर करवा सकता है. तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन सर, आपको बहुत अच्छा सिस्टम, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि जिस तरह से यूएसए के अंदर सिस्टम बनाते हैं वो आईटी में उस तरह का आपने पाकिस्तान में और इस कंट्री के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट होगा, इससे बहुत फायदा मिलेगा उसको. तो दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं ना सिर्फ कि वो आफ्टर देयर डन विद एफएससी जो फर्स्ट ईयर में आते हैं सेकंड ईयर में आते हैं उनको स्टार्ट में मेरे ख्याल से इस सिस्टम को समझना चाहिए और सिस्टम को ओवरऑल देख के इसको स्टार्ट में राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इसको इस्तेमाल करना चाहिए, इसके एमसीक्यूज करने चाहिए और इनका बहुत सारा टाइम बच सकता है वो अपना एडमिशन जो है सिक्योर करने वास्ते. तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर मिलके और इस सिस्टम को देख के और मैं ये समझता हूँ कि ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको इस्तेमाल करते हैं अपने एडमिशन जो है टाइम भी सिक्योर करवा सकते. बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीस आपके वैल्यूबल फीडबैक के लिए, वैल्यूबल इनपुट्स के लिए और बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला बाहर का ऑफिस में विजिट किया. और एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, जब आपकी यहाँ पे प्रेजेंस से थोड़ा और फायदा उठाना चाहूँगा क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है सारी वो ऑलरेडी स्टूडेंट सपोर्ट्स के लिए बिग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वो खासतौर पर क्वेश्चन करते हैं सर आफ्टर एम बी बी एस हम कहाँ जाएँ क्या करें. जो बच्चे पाकिस्तान से एमबीबीएस कर रहे हैं फ्यूचर अपना ये यूएसए में देखें या कहीं और अपना फ्यूचर देखें, लाइक अगर इनको करियर एडवाइस किसी भी कॉन्टेक्स्ट में दे सकें तो आपको बेहतर लगे तो प्लीज उसके ऊपर थोड़ा. आई थिंक इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं, वो पूछते हैं तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि आपको यूएसए में ही करना चाहिए.
गल्फ कंट्रीज ठीक है वो आप तकनीकी तौर पर उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मेनली आपको यूसी क्योंकि मैं इसमें से गुजरा हूँ और मुझे अंदाजा है although it's a time taking process, ये financially भी आपको drain करता है, आपको overall emotionally भी drain करता है, लेकिन at the end of the day ये आपको rewarding है, ठीक है, आपको 3 से 5 साल 6 साल की मेहनत के बाद आप वहाँ पे पहुँचेंगे कि जहाँ पे कोई भी even professor even 60s में 70s में जो earn कर रहे हैं उससे अच्छा आप अपनी जो है वो early 30s में आप earn करना start कर देंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी struggle है, वो struggle क्या है वो भी जो मैंने बात बताई 3 से 6 साल का जो प्रोसेस है जिसमें आपको थोड़ा सा प्लानिंग के साथ चलना है और वो कैसे करना है कि अगर तो आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो राइट फ्रॉम द मेडिकल स्टूडेंट लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपको प्लान ले करना है, मेरे ख्याल से डिस्टिंक्शन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चे खासतौर पर जो गर्ल्स हैं वो फोकस करते हैं पर डिस्टिंक्शन लें अच्छे नंबर लें और फिर बाद में फोकस करेंगे उस समय के ऊपर, वो मेरे ख्याल से टाइम जो है वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, आप पहले से जो ना स्टार्ट से आपका व्यूअर लें प्रॉपर उसकी गाइडेंस की जो वीडियोस देखें ऑनलाइन यूट्यूब पे सारी मौजूद है और उसके बाद ट्राई करें कि बिफोर फाइनल ईयर आप एटलीस्ट स्टेप वन दें और जैसे ही आप स्टेप फाइनल ईयर पास करें उससे पहले आप सारे इसके व्यूअर जो स्टेप सीखे गए उसको कवर करें और जैसे ही आप एग्जाम दें स्टेप ऑफ दें फाइनल ब्लॉक तो आप स्टेप टू सीखे दें और उसके बाद कोशिश करें कि आप वहाँ पे आगे ऑब्जर्वेशन पहले से प्लानिंग करें अपने एग्जाम उसके बाद लगता है अब हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है वो क्लैप करना चाहिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे वहाँ पे बहुत ही सीनियर डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने उसके बाद उन्होंने प्लान किया गया यूएसएमएलई करने से और उस बंदे ने रेजिडेंसी की और अब ही इज गोइंग फॉर अ फेलोशिप ऑनकोलॉजी फेलोशिप, तो अगर उसके बाद भी वो ये समझते हैं कि उनको यूएसए जाना चाहिए तो मेरे ख्याल से आपको पहले से ही जो है ना वो प्लान करना चाहिए और अब इनसिक्योरिटीज क्या होती हैं सब बच्चे ये समझते हैं कि भाई इसमें पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे और टाइम टेकिंग प्रोसेस है और फिर इसमें एम्बिग्युटीज और इसमें इनसिक्योरिटीज ये होती है कि भाई खुदा ना खास्ता अगर मैच ना हो तो फिर हम क्या करें, तो मैं हमेशा जो ना वर्बल इस्तेमाल करता हूँ कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक है और मैं एक सेल्फ मेड इंसान हूँ, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो मैं टीचिंग भी करता था और साथ में जो है वो आपके मेडिकल कॉलेज के लिए साथ होता था, तो मैंने देखी है कि 3 चीजें जो है ना अगर आपके अंदर है तो आप बहुत अच्छा मतलब जो है ना सिक्योर कर सकते हैं किसी भी चीज को, नंबर 1 सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी है इस काम के लिए, सेल्फ बिलीफ सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर खुदा ना खास्ता आपका एक दफा मैच नहीं भी होता किसी वजह से तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो लगे रहते हैं सेकेंड और थर्ड अटैम्प्ट पे हो जाता है, लेकिन ये 2-3 सालों की वजह से अगर आप ये कि आप एडमिट हो मैच नहीं होगा तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्या होगा कि अगर आप कंपेयर करें आने वाले 10 सालों में उस इंसान के साथ जो यहाँ पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में या उसने प्लान करके वो यूके चला गया तो आप उसमें जो है ना डिफरेंस, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी जो चीजें इसको इसको ही सोचना चाहिए कि उदाहरण ऐसा अगर एडमिशन नहीं होता मैच नहीं होता तो फिर हम क्या करें, अब मेरे फ्रेंड्स और बहुत सारे कलीग्स मुझसे रابطہ करते हैं दे हैव डन एफसीपीएस और दे आर एस्टैब्लिशिंग देयर यू नो प्रैक्टिस और काम कर रहे हैं लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें कुछ बताओ कि हम यूएसएमएलई अब करें, ठीक है, अब वो मेरी एज के हैं अब यूएसएमएलई इस एज में बनते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ना और साथ फैमिली के साथ देखना चलना, तो मेरे ख्याल से राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एफसीपीएस अगर आपका प्लान है बाय किसी भी एग्जाम का तो मैं हमेशा ये प्रेफर करूंगा कि यूएसएमएलई करना चाहिए, अगर आपको लोन लेना पड़ जाए आपको अपनी जमीन बेचनी पड़ जाए मतलब वो ये करना चाहिए, क्योंकि अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं वहाँ पे एक दिन के जो है ना वो 25,000 से 3,000 डॉलर कमा सकता हूँ क्योंकि मैंने रेजिडेंसी कर ली मेरी फेलोशिप कम्प्लीट हो गई, तो अब मुझे बताएं कि आप मैं अभी कंपेयर करूँ किसी ऐसे इंसान के साथ जो यहाँ पे काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं तो बहुत देखिए इसके पीछे एक स्ट्रगल है, ये एक वन डे जो है ना ओवरनाइट कुछ नहीं है, इसलिए मैं भी सर प्रेफर करूँगा यू सब अली मुझे हमेशा ये कहता है
summarize like two points to obviously expression he gets to solve that on 2 points. Number one, yes, we are not going to be here, we are going to be here, of course, we are going to be here, we are going to be here, we are going to be here. So, yes, even today, USA is world's number one place for training in training. So, this is the thing. On the third number, we are going to have a very practical point, which is maybe hundreds of students ki stories ko janta hu jinhone USA jaane ki koshish ki, bahut sare chale nahi gaye, bahut sare nahi ja sake, to un succeeding and failing students ki main approach se janta hu. Aur ye jo baat ki hai ki final year se pehle the fourth year pe hi step 1 kar le, final year ke fauri baad step 2 karke wahan chale jaye aur uske baad fir apna further long process carry kare and do whatever it takes, it's worth it. So ye badi main samajh ke hai baat hai. जो लोग बेहतर में जाते हैं फाइव ईयर करें फिर हाउस जॉब करें और उसके बाद फिर हाउस जॉब के बाद फिर लंबे चक्कर में बढ़ जाते हैं, उनको ज्यादा जोर भी लगता है कि आदमी कह रहे हैं कि टाइम भी बहुत सारा दरमियान में ऐड हो जाता है, ठीक ठाक टाइम. मैं समझता हूँ कि अगर आप फोर्थ ईयर में स्टेप वन दे दें, जैसे डॉक्टर नीर साहब ने जिक्र किया है, 3 से 4 साल आप बचा सकते हैं. आई थिंक कि अगर आपको 1 साल के लिए एक्सर्ट करना पड़ता है, यस यू शुड एक्सर्ट, राइट. सो वंस अगेन समरी पॉइंट्स वही दो हैं, यूएसए इज नंबर वन प्लेस एंड सेकेंडली इसमें जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा आपकी मैटर करने वाली है. कुछ ऐसे डॉक्टर ने इसने एडवाइस किया है, मैं उसी को सेकंड करूंगा. आप उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही अपने को प्लान करें. अब इसके अलावा मैं एक और एस्पेक्ट की तरफ डिस्कशन लेके जाना चाहूंगा डॉक्टर ने इसके साथ कि अर्लियर ऑन आप जिक्र कर रहे थे उन इनसिक्योरिटीज का जो के अकेडमी जाने वाले स्टूडेंट्स के दिमाग में होती है या जो जनरल स्टूडेंट होते हैं कि अगर हम एकेडमी ना गए तो ये हो जाए. तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उन इनसिक्योरिटीज को एकदम हाईलाइट करते हैं श्योर, और फिर जनरली 100% जनरली आप ये भी बता दें कि क्या जो टॉप ग्रेड ऐप का सिस्टम आपने भी देखा है, क्या ये उन इनसिक्योरिटीज को कवर करता है, अगर कवर करता है तो किस हद तक कवर करता है, प्लीज इसको हाईलाइट करें. मुझे ऐसे लगता है, मैं इसको एग्जांपल अपने आपके से देता हूँ कि जब मैं एफएससी का स्टूडेंट था तो मुझे ऐसा लगता था कि जो एक प्राइवेट इदारा है अगर मैं वो ज्वाइन नहीं करूँगा तो मेरा एडमिशन नहीं होगा. तो इस तरह से एक हाइप क्रिएट की होती है प्राइवेट सिस्टम ने कि अगर मैं इन पर्सन जाके मैं वो ज्वाइन नहीं करूँगा तो मेरा एडमिशन नहीं होगा. तो वो सब कुछ करके मैं उस सारे प्रोसेस से गुजरा हूँ, वो एक छोटे से शहर से जाके बड़े शहर में वो एडमिशन भी ले लिया, हॉस्टल भी कर लिया, माँ बाप के अच्छा खासा पैसा भी लगवा दिया उसके. लेकिन जब उसमें पहुंचे तो बाद में पता चला कि ये वो जो कहते हैं ना कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, दूर के ढोल सुनाने होते हैं. तो वो इस तरह से मतलब उसको कि मैंने ये रियलाइज किया कि ये गलती की है बहुत बड़ी, क्योंकि आप घर से दूर हो और फिर हॉस्टल में रह रहे हो तो उस तरह से आपकी जो है वो स्टडीज नहीं हो. तो ये यही चीज हर स्टूडेंट के जहन में होती है जो कि एक सेकेंड ईयर एफएससी का स्टूडेंट होता है, उसको ये होता है कि मैंने जाना ही जाना है और इन पर्सन क्लासरूम में बैठ के जो है ना वो टीचर से पढ़ना, वो एक अच्छी बात है. लेकिन अब जो है ना दौर और जो है ना जमाना बिल्कुल चेंज हो चुका है. और मैं ये समझता हूँ जब मैंने डॉक्टर मौसम को ये सिस्टम देखा है तो मैं खुद भी बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर इसकी मैं डिस्कस कर रहा था कि अगर प्रॉपर अवेयरनेस हो बच्चों में और उनको गाइड किया जाए और वो घर बैठ के इसको अगर इस्तेमाल करें और उसको प्रॉपर गाइड करने वाला हो, जैसे कि इन्होंने आपको वीडियोस बनाए हैं जिसमें प्रॉपर गाइडेंस मौजूद है, तो वो बच्चा मुझे नहीं लगता कि उसको किसी इन पर्सन एकेडमी की जरूरत है, उसको कहीं भी जाने की जरूरत है, उसको बैठ के वो बहुत सारा अपना टाइम बचा सकता है. जैसे कि उन्होंने बताया कि उसको किसी दूसरे शहर में जाने की जरूरत नहीं है, इवन अपने शहर में वो जो ट्रैवलिंग का जो टाइम है वो बच जाएगा, एक्सपेंस बच जाएगा, हॉस्टल में अगर कहीं पर रहना पड़ता है वो बच जाएगा, क्योंकि आप घर से दूर होते हैं, अपने अपनों से दूर होते हैं, उससे कोई इमोशंस का एलिमेंट भी आ जाता है. ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको यूटिलाइज करना चाहिए और इस अपॉर्चुनिटी को ज्यादा अवेल करना चाहिए, और इससे आपका डेफिनेटली एडमिशन स्कोर हो सकता है अगर आपको इस्तेमाल करना है ये सिस्टम. ये सबसे जरूरी बात है. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर डी. ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो सिस्टम है आपकी राय के साथ ही मेरे माइंड में ये कभी कॉल कर पा रहा हूँ कि बेसिकली इस सिस्टम को हमने डिज़ाइन ही इस रीजन के साथ किया है कि हमने घर बैठे बच्चे को मुकम्मल ऑनलाइन तैयारी करवानी है, घर बैठे मुकम्मल ऑनलाइन तैयारी करवानी है. और मैं बल्कि ये कहता हूँ कि हम घर बैठे आपके आपसे 75% लेसर फी लेके आपकी बाकी एक्स्ट्रा कॉस्ट को कट करके आपकी 4 गुना बेहतर तैयारी करवा सकते हैं. क्यों? क्योंकि अगर आप घर बैठ के टॉप ग्रेड से ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम अकेडमी के मुकाबले में
वो चार गुना बढ़ जाए ऑटोमेटिकली. आप जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी पे आपका टाइम जाएगा उतने ज्यादा आपके अच्छे ग्रेड्स आएंगे. तो जैसे अब अकेडमी जाने वाला बच्चा, मैं ये समझता हूँ अगर आप फुल फ्लेज जैसे आपने से एग्जाम दिया, आप अकेडमी जा रहे हैं डेली बेसिस पे एंट्री टेस्ट की तैयारी करने के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि अकेडमी जाना आना फिर अकेडमी का जो 6 महीने वहाँ गुजारने आपका सेल्फ स्टडी का टाइम बचेगा ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 महीने. और इसके मुकाबले में अगर आप जाएंगे ना ठीक है, और आपके पास जो सेल्फ स्टडी का टाइम बन जाएगा वो तकरीबन 12 से 16 घंटे चल जाएगा आपकी सारी की सारी सेल्फ स्टडी. और जो आपने करना है लाइक वो आपने खुद अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देख करके करना. अब जस्ट इमेजिन सिचुएशन सेल बायोलॉजी आपने बहुत अच्छी पढ़ी है, अब क्लासरूम में लेक्चर अगर टीचर दे रहा है तो आपने जितनी मर्जी अच्छी पढ़ी है वो आपने पूरा 1 घंटे का लेक्चर देना है. जहाँ पे आपका सिर्फ लग्जरी है इफ यू थिंक दैट यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड जस्ट गो फॉर द टेस्ट और उससे अगले टॉपिक पे शिफ्ट हो जाना है, उससे अगले सेक्शन पे शिफ्ट हो जाना है. तो ऐसे जगह जगह हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स एवरी पॉइंट्स एवरी सिंगल डे मैं सुनता बहुत सारा वैल्यूएबल टाइम बचेगा बच रहा होता है. इवन जो क्लासरूम में बैठ के जो नॉनसेंस वेस्ट ऑफ टाइम है वो भी बच रहा होता है, ट्रैवलिंग का भी बच रहा होता है, हॉस्टल में रहना पड़ रहा है उसका टाइम भी बच रहा है. सो बहुत सारे सबों से आप ये कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी ऑनेस्ट राय ये है कि अगर मैं टॉपग्रेड का सीईओ ना भी हूँ लेकिन फिर भी मैं अगर इस सिस्टम के बारे में राय देता तो यही राय देता कि ये सिस्टम ट्रूली आपकी लाइफ में वैल्यू एड करता है. कि जैसे डॉक्टर लीस ने भी अभी इसके ऊपर अपनी जो इनपुट थी ऑनेस्टली मैंने तो बिल्कुल मैंने दे दी करो आपने अपना 100% जनरल रूल है कि मैंने यही कहा कि मुझे एंडोर्स करें मैंने जनरल रूल दे. और उन्होंने जैसे कहा मुझे पहले भी वो हल्का सा यही क्लू दे रहे थे कि इसका अगर बच्चा समझ जाता है कि सिस्टम को यूज कैसे करना है तो गाइड मुझे लगता है जाना. तो यही उन्होंने भी वो अभी आपके साथ भी डायरेक्टली शेयर कर दी है. एनीवेज थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग. Wish you best of luck for all the future endeavors. May all of you shine like stars and bless your name and fame. And Dr. Reese, I would like to pay special thanks to you once again. And I wish you luck for all the future endeavors as well. Hope to see you at USA. Thank you. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact the given numbers.